तो भाई लोगों, फ्री फायर गेम को कीबोर्ड और माउस से खेलने के लिए आज मैं ले आया हूँ आपके लिए एक नया ऐप जिसका नाम है स्मार्ट गागा, जो कि आपके एंड्रॉइड के सारे वर्जन में सपोर्ट करेगा, इवन आपके एंड्रॉइड 12 में भी सपोर्ट करेगा। तो आज हम देखेंगे इस ऐप का फुल सेटअप। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान बाय विवेक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक ज्ञान बाय विवेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए एक लिंक मीडिया फायर का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप जाके क्लिक करें तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करें तो आपका एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट फाइल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप किसी भी फोल्डर में इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर पे इसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये वाली फाइल यहाँ पे दिख जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका APK मिल जाएगा। उसके बाद आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ ऐसा आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे स्मार्ट गागा ओपन हो जाएगा। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेशन का तरीका बिल्कुल ही पांडा माउस प्रो की तरह ही है। तो अगर आपने पांडा माउस प्रो एक्टिवेट कर रखा है तो ये भी आपका एक्टिवेटेड ही आएगा, क्योंकि ये बेसिकली पांडा माउस प्रो का ही मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें कुछ बग वग फिक्स करके आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसे बिल्कुल पांडा माउस प्रो की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसे एक्टिवेट करने का तरीका जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आपको सिंगल मोबाइल से बताने वाला हूँ, यानी कि वायरलेस डिबगिंग से हम एक्टिवेट करेंगे और आप इसे मोबाइल टू मोबाइल और कंप्यूटर से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मोबाइल टू मोबाइल और कंप्यूटर से एक्टिवेट करना है तो ऊपर आप आई बटन पर मेरा पांडा माउस प्रो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है LADB कनेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये बिल्कुल ही फ्री ऐप है, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पुराना LADB ऐप नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल ही नया ऐप है जिसमें आपको बहुत सारे बग रिजॉल्व कर दिए गए हैं और आपको एक फ्लोटिंग विंडो का भी दे दिया गया है ऑप्शन, जिससे आपको स्प्लिट स्क्रीन यूज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, वहाँ पे बिल्ड नंबर को 7 बार क्लिक करना है, आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले फ्लोटिंग विंडो की परमिशन देनी है। तो यहाँ पे आप इनेबल बटन देख रहे हैं, उसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लैंड हो जाएंगे। यहाँ पे LADB कनेक्ट नाम का ऐप देखेंगे तो उसे आप क्लिक करेंगे और इसे फ्लोटिंग विंडो की परमिशन इसमें आ जाएगी। उसके बाद अब आपको यहाँ पे USB डिबगिंग इनेबल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इनेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं USB डिबगिंग, इसे आप इनेबल करेंगे। उसके बाद अगर आपके मोबाइल में USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स है तो आपको इसको भी इनेबल करना है, और अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक वायरलेस डिबगिंग की सेटिंग देखने को मिलेगी, आपको इसको भी इनेबल कर लेना है। तो इसको इनेबल करने से पहले आपका फ़ोन एक वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसको इनेबल कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बैक जाएंगे और आपको एक नीचे सेटिंग देखने को मिलेगी। सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप एक सेटिंग देखेंगे, अलाउ स्क्रीन ओवरलेज ऑन सेटिंग्स। तो इसको आपको ज़रूर इनेबल करना है, तभी आपका जो फ्लोटिंग विंडो है आपका सेटिंग के ऊपर आ पाएगा और आप पेयरिंग कोड और पोर्ट नंबर डाल पाएंगे, नहीं तो आप नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक गए तो आप देख रहे हैं सारी सेटिंग आपकी यहाँ पे ओके हो गई है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अलाउ स्क्रीन ओवरलेज ऑन सेटिंग्स, ये भी सेटिंग आपको इनेबल करने के बोल रहा है। तो ये सेटिंग हमने अभी अभी इनेबल कर ली है, तभी हमारा ये बेसिकली विंडो जो है आपका सेटिंग के ऊपर आ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी है, आपको स्प्लिट स्क्रीन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये पॉपअप विंडो दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप वायरलेस डिबगिंग के अंदर जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका पेयरिंग कोड आ जाएगा और पोर्ट नंबर भी आ जाएगा। तो पेयरिंग कोड को पेयरिंग कोड वाले ऑप्शन में ऊपर वाले में और पोर्ट नंबर को पोर्ट नंबर में नीचे वाले में डालना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली ये पेयर हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और ऐप में आपके वापस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कमांड डालने का ऑप्शन भी मिल जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कमांड क्या है, उसके लिए आपको एक और ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पांडा स्क्रिप्ट पैचर। तो इसे आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, पांडा स्क्रिप्ट पैचर सर्च करेंगे आपको ये ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड करके इसे ओपन करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैच एक्टिवेटेड स्क्रिप्ट करनी है, यहाँ पे सिंपली आपका ये पैच हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ ऐड आए तो आपको वो ऐड पूरा देखना है, तभी आपका ये पैच एक्टिवेटेड स्क्रिप्ट हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको एक कमांड दिखेगी तीसरे नंबर पे, उसे आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब आपको इस कमांड को अपने LADB कनेक्ट वाले ऐप में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपली आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको एक नया ऐप दे दिया गया है जो कि आपके एंड्रॉयड 12 में भी सपोर्ट करता है और सारे एंड्रॉयड में सपोर्ट करता है, और जिससे आप अपने कमांड को कॉपी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे आप रन करना है, रन करने के बाद आप देख रहे हैं ये चलने लगा और थोड़ी देर में एक्टिवेशन डन आ जाएगा। देख रहे हैं एक्टिवेशन डन आ गया, यानी कि आपका जो स्मार्ट गागा है वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्टिवेटेड दिखने लगा है। अब अगर आपका एंड्रॉयड 12 है तो आपको एक कमांड और चलानी पड़ेगी, ये आपका लास्ट वाली, आपका अनट्रस्टेड टच को अनब्लॉक करने के लिए। बस आपको यहाँ पे सिंपली वही LED भी कनेक्ट वाले ऐप में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसे रन कर देंगे तो ये आपकी कमांड चल जाएगी और आपका एंड्रॉयड 12 में भी ये समस्या दूर हो जाएगी जो आपका टच नहीं काम करता। तो बस आपका ये एक्टिवेट हो गया। अब इसमें आप अपने कीबोर्ड माउस लगा के अपने फ्री फायर गेम को ओपन करके खेल सकते हैं। तो फटाफट मैं इसमें कीबोर्ड माउस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कीबोर्ड माउस लगा दिया है, यहाँ पे 3 डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है। तो कीबोर्ड माउस लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको OTG केबल लगानी है, फिर आपको USB हब लगाना है और उसके बाद आपको ये माउस और कीबोर्ड 1x1 लगाना है, यानी कि एक साथ दोनों इसमें कनेक्ट करके आपको मोबाइल में कनेक्ट नहीं करना, आपको पहले USB हब कनेक्ट करना है उसके बाद 1x1 लगाना है। इससे आपका जो कीबोर्ड और माउस एक कभी काम करता है कभी नहीं काम करता वो वाला इशू भी सही हो जाएगा। तो बस आपका कनेक्ट हो गया, अब आप अपने गेम को ओपन कर सकते हैं। तो गेम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बीच में एक परमिशन मिलेगी, यानी कि आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन डिसेबल करना है ताकि ये पांडा माउस प्रो कंटिन्यू चलता रहे। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मार्ट गागा वाला जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली उसे आपको परमिशन दे देना है कि हाँ भैया ये आपका यूज कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सेव पावर में जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन वाले में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने स्मार्ट गागा से फ्री फायर गेम को ओपन कर लिया है और मैं ट्रेनिंग रूम में भी आ चुका हूँ। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं आपको स्मार्ट गागा का आइकन मिल जाएगा और ये आपको एक छोटी सी एरो देखने को मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पांडा माउस प्रो की तरह बड़ी सी आपको एरो नहीं है, माउस का आपको बहुत ही छोटा आइकन देखने को मिलेगा जिससे आप किसी भी एरिया को बहुत ही अच्छे से क्लिक कर पाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे की मैपिंग भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपका फ्री फायर है तो आपको की मैपिंग मिल जाएगी और अगर आपका फ्री फायर मैक्स है तो आपको ये सारी की मैपिंग करनी पड़ेगी। तो की मैपिंग करना बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस वाला आइकन, इसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जिससे आपका माउस मोड और शूट मोड काम करता है ये मिरर वाली बटन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिरर वाली, जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये वाली बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे साइड में ही रखना है और इससे आपका बेसिकली माउस मोड और शूट मोड काम करने लगेगा। तो माउस मोड और शूट मोड काम करने वाली बटन कौन सी होगी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी आप मिरर वाली की मैपिंग करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कि भैया माउस मोड और शूट मोड का बटन कौन सा रखना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका माउस की सेकेंड वाली बटन, यानी कि माउस की राइट वाली बटन होती है, इससे आप कर सकते हैं, बाकी आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसकी सेंसिटिविटी भी कम कर सकते हैं कि माउस की सेंसिटिविटी कितनी है। उसके बाद बटन की ओपेसिटी, बटन को हाइड करना है शो करना है गेम के दौरान, उससे आप ऊपर वाले से कर सकते हैं। तो इसे मैं मीडियम रख देता हूँ और सेंसिटिविटी भी मीडियम रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं इसे आपको चला के दिखा देता हूँ। तो सेकेंड वाली बटन दबाऊंगा तो ये एरो चला जाएगा और आपका ये देखिए माउस चलने लगेगा। उसके बाद ये आपकी ये बेसिकली चलने लगे। तो ये बेसिकली मेरा पोको X3 है और एंड्रॉयड 12 है, तो एंड्रॉयड 12 में भी ये परफेक्टली काम कर रहा है क्योंकि मैंने इसे बेसिकली पांडा स्क्रिप्ट पैचर से एक्टिवेट किया है। तो आपको जब भी आपका एंड्रॉयड 12 है या भी कोई भी आपका एंड्रॉयड है तो आप पांडा स्क्रिप्ट पैचर से ही एक्टिवेट करें तो आपका कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद और भी जो की मैपिंग आपको करनी है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखें सारी की मैपिंग, कोई भी की मैपिंग करनी है आपको ये वाली बटन दबानी है, ये आ जाएगा। उसके बाद आप कीबोर्ड की कोई भी बटन दबाएंगे, जैसे मैं टिल्ट 12 दबाऊं तो ये की मैपिंग आ जाएगी और जिसके ऊपर आप रख देंगे वो वाली बटन उस बटन से मैप हो जाएगी कीबोर्ड की। तो इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद कुछ और आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैग वाली, ये कार वाली, तो सेम आप इसको भी मैप कर सकते हैं या फिर आप ए बटन से ही उसको सिंपली मैप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप दूसरी वाली जो बटन देख रहे हैं ये बेसिकली आपका WSD वाली बटन है। तो यहाँ पे WSD मैंने ऑलरेडी मैप कर रखा है, इसे मैं अगर हटा दूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे वाले बटन से यहाँ पे WSD आ जाएगा और यहाँ पे मैं रख दूंगा। और ये लास्ट में जो टीरो वाली बटन है, टीरो वाली बटन बेसिकली आपकी शूट वाली बटन है, यानी कि माउस की जो लेफ्ट क्लिक आप करते हैं वो वाली बटन है। तो यहाँ पे मैंने इसे शूट वाले बटन से मैप कर रखा है, मैंने इसे हटा दिया और यहाँ पे मैं इसे दोबारा रख दूंगा। तो आप देख रहे हैं दोबारा मैप हो गया। तो इस तरह आप सारी की मैपिंग कर सकते हैं। तो
इसे बस आपको यहाँ पे बंद करके इसे क्लोज कर देंगे तो सारी की अपनी सेव हो जाएगी और ये सारा कुछ करने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने गन भी ले लिया है और सब कुछ परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडशॉट भी लग रहा है। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही जो वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।